एक तरफ जहां पूरा देश लव जिहाद को लेकर के परेशान है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में ऐसी शादी सामने आई है जिसे देख करके यकीनन आप दंग रह जाएंगे। औरैया जिले के बिधुना कस्बे में एक दिल्ली की रहने वाली मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से हिंदू परंपरा के साथ शादी की। बात करेंगे इस मामले के बारे में पूरी गहनता से कि शादी को लेकर के लड़के और लड़की वालों के घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी, शादी के बारे में जानने के बाद लड़की के घर वालों ने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रशांत मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टू ग्लोबल। मित्रों, आपको जान करके बेशक हैरानी होगी कि लड़की और लड़के दोनों के घर वालों को शादी से कोई आपत्ति नहीं है, दोनों बहुत खुश हैं। परिवार वालों का कहना है कि जिसमें दोनों की खुशी है उससे हम भी खुश हैं। औरैया जिले के बिधुना के पास के गांव का लड़का अमन दिल्ली में नौकरी करने गया था। इस दौरान अमन की जान पहचान दिल्ली की रहने वाली रेशमा से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। इसके बाद रेशमा और अमन एक दूसरे को चाहने लगे और बात आगे तक बढ़ गई। दोनों ने फिर शादी करने का फैसला भी कर लिया। इन दोनों ने अपने धर्मों को दरकिनार करते हुए रेशमा और अमन ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब इसकी जानकारी रेशमा और अमन के परिवार वालों को मिली तो दोनों परिवार के लोगों ने बच्चों के खुशी के लिए राजी हो गए। औरैया के बिधुना में प्रसिद्ध शंकर जी के मंदिर पर दोनों परिवारों की मौजूदगी में अमन और रेशमा की हिंदू रीति रिवाज के साथ अग्नि फेरे को लेकर के शादी की गई। जब इस संबंध में दोनों की मर्जी से शादी के बारे में जानने की कोशिश की गई तो परिवार वालों ने कहा कि दोनों ने अपनी सहमति के साथ शादी की और दोनों खुश नजर आए। वहीं लड़की के पिता सलीम अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा है कि दोनों की खुशी में हम खुश हैं। सलीम ने अपनी बेटी रेशमा की शादी हिंदू रीति रिवाज से अपनी पूरी सहमति के साथ करवाया और अमन को बिना किसी दिली मलाल के अपना लिया। मित्रों, ये रही रेशमा और अमन की कहानी। अगर आप किसी विशेष मुद्दे पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमसे जरूर बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम वही दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।